प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में कि किसी भी धातु पर यदि प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के कारण, उनके अनुगमन के कारण जो धारा बहती है उसको हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। उसी संबंधित कुछ यहाँ आंकिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम लोगों की बोर्ड की परीक्षाओं में आंकिक प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर कुछ हम प्रश्नों को करेंगे। जो हमारे आंकिक प्रश्न हैं उसमें से कुछ हमने ये यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ बहुत ही सामान्य हैं। इसी तरह के प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए हैं और लगभग उसी तरह के ये क्वेश्चन यहाँ पे हैं। एक क्वेश्चन है, पहला, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के किसी फोटॉन की तरंग दैर्ध्य निकालो। जो फोटॉन है, प्रकाश का कण है, क्वांटा है, उसकी तरंग दैर्ध्य हम एक सूत्र जानते हैं, ई इक्वल टू एस सी ओवर लेमडा, या ई इक्वल टू एच न्यू, न्यू का मान रख दें सी अपान लेमडा, तो ई इक्वल टू एस सी अपान लेमडा, और इसलिए लेमडा बराबर एस सी ओवर ई। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको ई का मान ज्ञात है और तरंग दैर्ध्य लेमडा निकालना है। तो फोटॉन की तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर एस सी ओवर ई। अब इनमें हमने इनके मान सब्स्टिट्यूट कर दिए, मान रखने पर लेमडा बराबर होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकंड। सी का मान प्रकाश की चाल है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन ई यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, ये तो हमारे एसआई पद्धति के मात्रकों में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसको हम जूल में बदल दें, क्योंकि ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल रहता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻¹⁹ गुणा कर देंगे तो ये जूल में हो गया। अब सभी एक ही मात्रक में हो गए, ये आग इसके इसको दशमलव हटा दें दोनों में 66 हो गया, 16 हुआ, डिवाइड किया तो आया 4.125, इसको 3 से हमने गुणा कर दिया तो आ गया 12.375। इनकी जो पावरें कट जाएंगी, 19 यहाँ है, माइनस 34 यहाँ है, और 8 यहाँ है। 19 निकल गया 34 में से, तो 19 और 8 27 कट गया, तो माइनस 7। क्योंकि ये सभी एसआई पद्धति में है, एमके सिस्टम में है, इसलिए इसका मात्रक मीटर होगा। यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ई तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये पूरा जूल हुआ था, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। ये उत्तर जो मिलेगा हमको ये मीटर में मिलेगा। अगर इसका दशमलव हटा दिए तो 10⁻¹⁰ हो जाएगा, 12 × 1.2375 × 10⁻¹⁰, तो ये 10⁻¹⁰ को अगर हटा दें तो वो अंगस्ट्रॉम में हो जाएगा, तो 12375 अपान ई अंगस्ट्रॉम, जबकि ई का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट हमको रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इस पहले वाले का उत्तर कि इसकी कितनी वैल्यू होगी। जो इसका बी भाग है, वो बी भाग ठीक इसी का इस्तेमाल है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन के तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। चूँकि 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना है, तब अंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट आ जाएगी वैल्यू, इसलिए ई की जगह पर हमने 2.2 रख दिया। तो बी में फोटॉन के तरंग दैर्ध्य लैम्डा, जिसकी की ऊर्जा है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 12375 अपॉन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 56, एक सेकंड, 5625 अंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू 5 6 2 5। अब ये तो हो गया पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है,
ये पहला इसका खत्म हो गया। उसका ये सलूशन हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा है 5000 वाट तथा 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के स्रोत से फोटान उत्सर्जन के दर ज्ञात करो। यदि ऊर्जा का 20% भाग ही प्रकाश में बदलता है, यानी एक स्रोत है जो प्रकाश निकाल रहा है यानी फोटॉन्स निकाल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन उसकी जो वाटेज है वो 500 वाट है, एक सेकंड में 500 जूल ऊर्जा को निकालता है, लेकिन इसमें से 500 वाट पूरा का पूरा फोटॉन में यानी प्रकाश में नहीं बदलता, उसका 20% ही प्रकाश में बदलता है। तो इसका कितना भाग प्रकाश में बदलता है, फिर एक फोटॉन की 5500 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन की ऊर्जा कितनी है, हम इसकी गणना कर लेते हैं। तो इसकी गणना करने के लिए दूसरा क्वेश्चन है, 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के स्रोत से फोटॉन की उत्सर्जन की दर ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का जो स्रोत है उसकी ऊर्जा कितनी होगी। ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अब अगर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, कैलकुलेट करें, तो आ जाएगा 6.6 10 टू दी पावर माइनस 34, सी का मान 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और ये लैम्डा का मान दिया है 5500, लेकिन एंगस्ट्रॉम में है इसलिए इसको हमने मीटर बना दिया। और जब ई का मान आएगा वो जूल में आएगा। अब यहां देखिए ये है 10, इसमें 2 जीरो से इसमें कट गए तो बचा -8, ये -8 ऊपर चला गया तो हो गया 8 और 8 16, ये हो गया 16 16। 16 में से एक निकाल दिया इसको गुणा करने के लिए तो बचा 6.6 की जगह 66 हो गया, ये हो गया 55 नीचे। अब यहाँ पर आपको बचा 15 34 में से 15 गए, बाकी बचे 19 10 टू दी पावर माइनस 19। अब आप बाकी बचा है 3, यहाँ एक 3 और भी है, यहाँ काट दिया। -18/5 × 10⁻¹⁹ जूल। ये एक फोटॉन की ऊर्जा जूल में है, एक फोटॉन की ऊर्जा है। 500 वाट प्रकाश इसका सोर्स है, लेकिन ये 500 वाट पूरा का पूरा प्रकाश में बदलता नहीं, तो कितना हिस्सा इसका प्रकाश में बदलता है। प्रकाश में परिवर्तित प्रति सेकंड वाट में दिया है तो प्रति सेकंड है ऊर्जा प्रति सेकंड, ये बराबर हुआ 500 का 20%, हंड्रेड
वाट या 100 जूल पर सेकंड। पूछा है कि कितनी फोटानों की दर होगी, इतने वाट या इतने जूल पर सेकंड की ऊर्जा फोटान में बदल रही है। एक फोटान की ऊर्जा का हमको पता है, इसलिए फोटानों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसलिए फोटान की संख्या टोटल ऊर्जा 100 और एक फोटान की ऊर्जा 18/5 पांच ऊपर जाएगा 10^19 नीचे है, उलट के ऊपर जाएगा 10^19 हो गया। 10^-19 नीचे रहेगा, ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो गया। ये कुल फोटानों की संख्या हो गई। इसको हम काटते हैं तो 9/50 इतने फोटान कुल होंगे। इसकी हम गणना करते हैं 19। ये फोटानों की संख्या होगी, कितने फोटान प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। ये हो गया हमारा दूसरा। तो पहले तो हमने 5500 एंगस्ट्रॉम के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कर ली, एक फोटान की। फिर कितना ऊर्जा पर सेकंड स्रोत से निकल रही है वो ज्ञात कर लिया, 20% यानी 500 वाट निकल रही है, लेकिन इसमें 20% की जरूरत हमको है, वही प्रकाश में बदलती है। तो 100 वाट ऊर्जा ऐसा है जो फोटान में बदल रही है प्रति सेकंड, और इसीलिए हमने एक फोटान की ऊर्जा से 100 को भाग दे दिया तो फोटानों की संख्या ज्ञात हो गई। एक तीसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3। 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन की धातु से 315 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश क्या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकेगा। 3.3 उस धातु की का कार्यफलन है, तो उस धातु की डेली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी ये हम निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका थर्ड सॉल्यूशन। धातु के लिए डेली तरंग दैर्ध्य लैम्डा जीरो, ये हुआ एच सी ओवर ई यानी डब्लू कार्यफलन 6.6
टेन टू दी पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपान 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल में बदल दिया। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.3 से 6.6 कट गया, 2 आ गया। तो आ गया 3 × 6 अपॉन 1.6 देखें यहाँ पे ये 3 × 6 आ गया, ये 1.6 नीचे आ गया, 10^-19 नीचे है और ये 10^-19 ऊपर जाएगा तो 10^+19 हो जाएगा। 19 और 8 27, 34 में से 27 निकल गए, 7 बचा, 10^-7 भाग दे दिया इसको तो आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं, 60 बराबर 375 नैनोमीटर। देहली तरंग दैर्ध्य 375 नैनोमीटर है उस धातु के लिए। 315 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर डाला जा रहा है। ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है, देहली तरंग दैर्ध्य अधिकतम तरंग दैर्ध्य, यानी इससे ज्यादा से नहीं डाला था, इससे कम जो भी तरंग दैर्ध्य होगी वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकेगी। तो चूंकि 315 नैनोमीटर इससे कम है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकेगा। चूंकि 315 नैनोमीटर इज स्मॉलर देन लैम्डा जीरो, अतः इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकेगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अब 375 के नीचे जो भी तरंग दैर्ध्य होगी, क्योंकि अधिकतम तरंग दैर्ध्य 375 है, तो
374 370 यानी इससे ज़्यादा कम से कम जो भी तरंग दैर्ध्य होगी इसके नीचे वो सभी तरंग दैर्ध्य इस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकेंगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य जैसे छोटी होती जाएगी उसकी ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन में सीजियम धातु है, उसका कार्बन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, 6 × 10⁴ हर्स आवृत्ति के प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, निरोधी विभव कितना होगा और महत्तम चाल कितनी होगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमको सीजियम का कार्यफल मालूम है और ये हमको आवृत्ति का पता है। आइंस्टीन के जो समीकरण है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का समीकरण, उसमें हमने पढ़ा है कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो बराबर होती है जितना आपतित प्रकाश के यानी फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू और काल फलन। फोटॉन जो गिरता है किसी धातु पर उसकी संपूर्ण ऊर्जा में से कार्य फलन तो खर्च हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में, जो ऊर्जा बचती है वो गतिज ऊर्जा में के रूप में हमको प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी फोटॉन के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के इज्कवल टू एच न्यू माइनस डब्लू। तो हमें डब्लू का पता है, ई के का मान निकालना है, एच न्यू का मान हम रख देते हैं, इसलिए ई के एच का मान है 6.6 मान दिया नहीं है, दिया हो तो हम वही मान इस्तेमाल करेंगे, 6.6 × 10⁻³⁴ और न्यू का मान दिया है, आवृत्ति का मान दिया है 6 × 10⁴ एच न्यू। ये जो कुछ भी आएगा ये जूल में आएगा और W का मान जो दिया है वो है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसलिए 1.6 × 10⁻¹⁹ से गुणा किया तो ये भी जूल में आ गया। छत्तीस और 3 × 39 20 आया, दिस इज 20 माइनस
इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3.96 टेन टू दी पावर माइनस 19, इसमें से एक माइनस घात ले लिया तो दशमलव इधर पीछे आ जाएगा, माइनस 3.52 इंटू टेन टू दी पावर माइनस 19। पावर तो कॉमन आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 3 में से 3 गए 0। ये फोटॉन की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.44 × 10⁻¹⁹ जूल। हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.44 × 10⁻¹⁹ और यहाँ भी है 10⁻¹⁹। 10⁻¹⁹ माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बचा 4.4 बटा 16, 2.2 बटा 8, 1.1/4 डिवाइड कर दिया, 1.1 को 4 से डिवाइड किया, .275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.44 × 10⁻¹⁹ जूल है अथवा 0.275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये तो हो गई अधिकतम गतिज ऊर्जा, फिर पूछा है निरोधी विभव। निरोधी विभव निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के, यह होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश इनटू निरोधी विभव, और इसलिए निरोधी विभव वी बराबर ई के अपान ई। ई के का मान हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर रखें तो ये आया 0.275 ई बी, और नीचे है ई यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये दोनों का मान बराबर है इसलिए ये आ गया 0.275 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉनिक आवेश से भाग दे दें यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ से भाग दे दें तो अपने आप वोल्ट आ जाएगा। तो अगर इसको जूल में रखेंगे तो आप इसका मान से भाग दे देंगे, और अगर आप जूल में नहीं रखेंगे तो फिर डायरेक्ट ई को हटा दीजिए, वोल्ट जितना है उतना वोल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई को हटा दें तो डायरेक्ट उसका वो विभव आ जाएगा जिस विभव से उतनी ऊर्जा उसको प्राप्त होती है किसी इलेक्ट्रॉन को। किसी इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होती है जितने विभव द्वारा, अगर ई को हटा दें तो उतना ही वोल्ट का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा के लिए चाहिए। तो अपने आप ये डायरेक्ट आ गया, ये ई वी है, ई से ई कटा 0.275 वोल्ट, ये इसका निरोधी विभव है। इसमें एक चीज़ और जो हमें ज्ञात करनी है वो इसकी
महत्तम चाल कितनी होगी, महत्तम चाल, महत्तम गतिज ऊर्जा का मान हमें मालूम है, वो हम निकाल चुके हैं जूल में, ये दिया हुआ है। तो महत्तम गतिज ऊर्जा यानी हाफ यम वी का मैक्सिमम मान स्क्वायर, और ये ऊर्जा हमको दी हुई है यानी 0.44 × 10⁻¹⁹, और इसलिए वी मैक्सिमम ये दो ऊपर जाएगा, और यह नीचे आ जाएगा 9.1 × 10⁻³¹ मीटर पर सेकंड। एक तो ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं वी मैक्सिमम बराबर इतना मीटर पर सेकंड, इसको इससे गुणा करके इससे डिवाइड करते हैं, घाते कट जाए तो आता है 0.09679 × 10⁻¹². इसका अंडर रूट लिया तो आ गया 0.31, 12 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम गति जुड़ मैक्सिमम वेग बराबर इतना मीटर पर सेकंड होगा। अब ये जो हम लोगों ने इसी चैप्टर में मैटर वेव्स या द्रव्य तरंग पढ़ा है उससे संबंधित दो छोटे न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी पूछते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है, सौ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। अब अगर इसको देखें तो हमारे पास इस तरह के दो सूत्र हैं, जो तरंग दैर्ध्य है उसके लिए जो सूत्र प्रयोग हम करते हैं उसके लिए एक सूत्र तो हमारे पास ये है, हल करने पर इलेक्ट्रॉन के लिए 2.12.27 / √V, अगर ये डायरेक्ट अंगस्ट्रॉम में आएगा इसकी वैल्यू डायरेक्ट अंगस्ट्रॉम में आएगी 12.27। अब यहाँ पर ये V वो विभव है, इलेक्ट्रॉन जितने विभवांतर के द्वारा त्वरित किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने वाला ये विभवांतर है। ये जो बाकी एच सी वगैरह ये दी हुई बाकी राशियाँ उनकी ये वैल्यू है, इससे डायरेक्ट अंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात हो जाती है। और वैसे ये एच अपान अंडर रूट टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, अगर ये हमें पता हो तो इससे भी निकल जाएगा। अब यहाँ हम इस सूत्र का इसमें भी इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जा दी है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जा दी हो तो उतनी इलेक्ट्रॉन की उतनी गतिज ऊर्जा कितने विभवांतर द्वारा प्राप्त हो सकती है वो डायरेक्ट हमको पता चल जाता है। ई को हटा दीजिए, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट द्वारा प्राप्त होगी, तो डायरेक्ट हमको ये वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा और ये जो फार्मूला है इसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है उसमें हम इसका डायरेक्ट हम पता लगा सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन
को 100 वोल्ट द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है। और इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 100 100 वुड बी 12.27 अपॉन बी अंडर रूट 10। सो ये हो गया 12.27 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.227 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट ये उस इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग लंबाई है जो 100 वोल्ट के द्वारा त्वरित हो रहा है, या ये कह सकते हैं जिसको जिसके पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा है। 100 वोल्ट द्वारा अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा तो उसके पास इतनी गतिज ऊर्जा होगी। अब इसके बाद एक अगला प्रश्न है, वो है जूल में दिया हुआ है, ये जूल में दिया है इसलिए इसमें वोल्ट का पता लगाने के लिए दिक्कत है, या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए। तो इसमें हमने इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जहां गतिज ऊर्जा का सूत्र दिया हुआ है। तो 6 डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यानी मैटर वेव की जो तरंग दैर्ध्य है, जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, ये बराबर हुआ एच अपान अंडर रूट 2 यम यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इनटू के वैल्यू रख दिया 6.6। वैल्यू यहाँ दी नहीं है, 6.6 इंटू 10^-34 जूल सेकंड। 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10^-31 इंटू के इज 2×10^-19। इसको 9 रख दिया, 9.19 में इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 9.1 और 9 का तो लगभग एक जैसा ही आएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी 6.6 10^-34। ये 2 और 2 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास बचता है अंडर रूट के अंदर 31 और 19 50, यह हो गया 50 और 50 का अंडर रूट आएगा 10^-25। ये घट जाएगा, ये हमें वैल्यू प्राप्त हुई 1.1 10^25 और 9 34 तो -9
हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं नैनोमीटर में, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 11 अंगस्टा। वो ये तो कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए जो मैटर वेव से संबंधित है या हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है। इसी तरह के ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं। अगर इतने न्यूमेरिकल्स का भी अभ्यास कर लिया तो बाकी के न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए आसान रहेगा। बस आज इतना ही।